हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी के दूसरे सबसे बड़े शहर डेब्रसेन में। यहाँ पे इस समय जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के करीब है, इसलिए मैंने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी के पीआर के बारे में या परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में। देखिए, हंगेरी में दो तरीके की परमानेंट रेजिडेंसी पॉसिबल है। एक का नाम है हंगेरी का नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, दूसरा होता है हंगेरी का ECPR कार्ड। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हंगेरी का नेशनल PR कार्ड होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे जो हंगेरी का ECPR कार्ड होता है या EU PR कार्ड होता है उसके लिए आप कितने साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। पहले हम बात कर लेते हैं हंगेरी के नेशनल PR कार्ड के बारे में। देखिए, जो हंगेरी का नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको हंगेरी में रहते हुए कम से कम 3 साल हो गए हों, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक सर्टेन इनकम हो। इनफैक्ट इसको कहीं ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन जो हमने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होते हैं अगर जो आपकी इनकम है वो 4 लाख फॉरिंट या 4 लाख फॉरिंट पर मंथ से ऊपर है, और आपके पास अकाउंट में करीब 50 लाख हंगेरियन फॉरिंट होने चाहिए यानी करीब 12.5 लाख रुपए, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपके पास रहने की जगह होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर आपको एक लेटर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने क्या किया है हंगेरियन सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के लिए, कि क्या आपने मतलब किसी को एम्प्लॉय किया है, आपने टैक्सेस कितने पे किए हैं। तो इस सब के बेसिस पे आप बेसिकली हंगेरी के नेशनल PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के बाद। लेकिन ये जो नया इमिग्रेशन लॉ आया है इसके हिसाब से ऐसे लोग जो अनस्किल्ड हैं वो नेशनल PR के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हम आ जाते हैं हंगेरी के ECPR कार्ड पे, जिसके लिए अगर आप अनस्किल्ड भी हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो नया इमिग्रेशन लॉ आया उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि अनस्किल्ड वर्कर ECPR कार्ड के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। ECPR कार्ड के लिए आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको हंगेरी में रहते हुए 5 साल हो गए हैं। और यहाँ पे भी बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेम है, आपके साल भर की बैंक स्टेटमेंट, जो आपने टैक्सेस पे किए हैं और हंगेरी में आप 5 साल से रह रहे हैं इसका प्रूफ चाहिए, अगर आपने हंगेरी में पढ़ा है उसका प्रूफ चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, जो पढ़ने के ईयर्स होते हैं अगर आप किसी हंगेरियन यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं वो आधा काउंट होता है। सपोज़ करिए आपने 2 साल की मास्टर्स डिग्री की है तो उसमें से 1 साल PR की तरफ काउंट हो सकता है। तो ये जो ECPR कार्ड है इसके लिए ऐसे लोग भी एलिजिबल हैं जिनके पास EU Blue कार्ड है, और हम अलग से वीडियो करेंगे। इनफैक्ट मेरा एक वीडियो है जहाँ पर मैंने एक फैमिली को इंटरव्यू किया है जिनको हंगेरी का नेशनल PR कार्ड मिला है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो PR है और सिटीजनशिप है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। PR के बेसिस पे आप एक कंट्री में इनडेफिनेटली रह सकते हैं, और PR कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो आमतौर पे 5 साल की होती है। अगर एक बार आपको PR कार्ड मिल जाता है तो सपोज़ करिए आपको जॉब चेंज करनी है तो आपको नया रेजिडेंस परमिट नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। आप जॉब से अपने काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली इमिग्रेशन में जाके नया रेजिडेंस परमिट नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है, सपोज़ करिए आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन में जाके नया रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।